दोस्तों सुप्रभात। WDM-3A जो कि मोस्ट सक्सेसफुल लोकोमोटिव ऑफ इंडियन रेलवे रहे हुए हैं, ये ट्विन सेल्को जो कि इटारसी से संबंधित हैं, इटारसी शेड से हैं, आज बीकानेर आए हुए थे और इनका हमने एक बेहतरीन एरियल शॉट लिया है ऊंचाई से। दोनों खूबसूरत एल्को अपने आप के शानदार। ये की कुल पावर होती है 3100 हॉर्स पावर और जब दो एल्को के साथ इनको दो एल्को को जोड़ दिया जाता है तो इन्हें कहते हैं ट्विन एल्को और इन्हें इस जोड़ने को कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन रेलवे की भाषा में। तो जब दो WDM-3A 3100 प्लस 3100 को सिंक्रोनाइज कर दिया जाता है तो कुल मिला के 6200 हॉर्स पावर का ये बन जाता है जो गाड़ी को बहुत ही शानदार तरीके से खींच पाता है। पिकअप भी अच्छा रहता है और ब्रेक भी जल्दी लगते हैं और टाइम कीपिंग भी बहुत अच्छी होती है। डीजल लोको की अगर छोटे से इतिहास की बात करें तो ये 1993 में बनारस लोकोमोटिव वर्क के अंदर ही बनने चालू हुए थे ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा एल्को के साथ किए गए करार के साथ और WDM-3A 1994 के अंदर ये वापस सर्विस में आ चुके थे, यानी कि 93 में बनना चालू है और 94 में एक ये बन के आए थे। कुल 143 जो एल्को बने थे वो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स के अंदर 1994 से 2003 के बीच में बने थे और 1246 जो रिमेनिंग एल्को थे वो WDM-2 को मॉडिफाइड करके उनको WDM-3A भारतीय रेलवे के सबसे सक्सेसफुल लोकोमोटिव आज तक रहे। इन्होंने फ्रेट और पैसेंजर ट्रेन दोनों खींची है, लगभग 26 से 30 साल तक इन्होंने खींचे और आज की तारीख में भी ये काम में लगे हुए हैं। लीजिए इन दोनों का एंजॉय। ये दोनों ही इटारसी के सर्किट के हैं और दोनों के नंबर है WDM-3A TT4 इटारसी सेट 18727 और WDM-3A TT इटारसी 16527 दोनों ट्रेन के नंबर और आगे जाते हैं।
लोकोमोटिव जो प्रतीक है ये रोल्ड आउट हुआ था सेलिब्रेशन लोको ऑफ गोल्डन जुबली डीजल लोकोमोटिव वर्क्स DLW के बनारस के द्वारा 2014 के अंदर, और इसको कैप्चर आपने आज किया है। ये हर रेल फैन का एक ड्रीम है कि वो इसको कैप्चर करे। ये बहुत ही निहायत ही खूबसूरत WDP-4B का लोको है। ये क्लास WDP-4B से बिलोंग करता है और EMD लोकोमोटिव है। इसका सीरियल नंबर की बात करें तो रोड नंबर 40079 है, और स्पेशल अचीवमेंट के रूप में इसको बनाया गया है, और इसको डिज़ाइन इसका यूनिक आइडेंटिटी के रूप में प्रतीक नाम से इसको प्रमोट किया गया है। और ये डिफरेंट कलर स्कीम के द्वारा इसको ही बनाया गया है, जो कलर आज तक दूसरे लोकोमोटिव को नहीं दिया गया है, और इसी कारण ये अपने आप में बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही विशेष है, और केवल सेलिब्रेशन के रूप में इसका यही अचीवमेंट है कि इसको देखने की तमन्ना हर किसी की रहती है। और इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में ये लगभग वैसा ही है जैसा कि अन्य EMD के 4B के मॉडल है, वह उन्हीं की तरह ही है। और अब प्रतीक WDP-4B 40079 तुगलकाबाद शेड गार्ड एरोडायनेमिक स्पेस में शानदार सीना ताने खड़ा है, और अभी निकलने को तैयार। यहाँ से स्पीड बनाएगा, जो स्पीड आगे लालगढ़ डूंगर और सूरतगढ़ की तरफ देखने को इसको बहुत खूबसूरत स्पीड मिलेगी। तो हमारी सभी को शुभकामनाएं, रेल यात्रियों को, लोको स्टाफ को, ऑपरेटिंग स्टाफ को खूब खूब शुभकामनाएं, और आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर ज़रूर लाइक करना, शेयर करना दोस्तों, और अपनी मन की भावनाएं कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिखना, और मुझे बताना कि आपको क्या अच्छा लगा, और कोई सुझाव हो तो ज़रूर देना, मैं आपका इंतज़ार करूंगा। मैं आपका दोस्त राकेश शर्मा, थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे, विश यू हैप्पी जर्नी, शुभ यात्रा। मैं आपका दोस्त राकेश शर्मा, थैंक यू फ्रेंड, हम बीकानेर से दूर लालगढ़ और लालगढ़ से आगे कालासर के कर्व पे खड़े। ये कालासर यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर दूर है बीकानेर से, वहाँ पे हम आके आज का वीडियो शूट करें। थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे, अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर लिखना, कमेंट का मुझे बहुत इंतजार रहता है। थैंक यू।